आप देख रहे हैं दखल न्यूज। लखनऊ में प्रियंका का रोड शो, प्रियंका और ज्योतिरादित्य को यूपी जिताने की जिम्मेदारी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भूख हड़ताल पर, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को दिए निर्देश, 90 दिन में अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करें। छत्तीसगढ़ में बच्चों को मिलेगा अंडा, बिजली बिल भी आधे करेगी सरकार। अब बेशर्म प्रशासन और लचर सिस्टम ने किया मानवता को शर्मसार, कचरा वाहन में ले जाना पड़ा शव। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस महासचिव बनाए जाने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा पहली बार यूपी पहुंची। अपने दौरे की शुरुआत प्रियंका ने एक मेगा रोड शो के साथ की। प्रियंका के साथ राहुल गांधी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अन्य नेताओं ने रोड शो में भाग लिया। कांग्रेस का कहना है इस रोड शो से उत्तर प्रदेश फतेह की शुरुआत की गई है। कांग्रेस महासचिव बनने के बाद प्रियंका वाड्रा लखनऊ पहुंची तो उनका जोरदार स्वागत हुआ। एयरपोर्ट से कांग्रेस कार्यालय तक 15 किलोमीटर का सफर प्रियंका ने एक रोड शो की शक्ल में तय किया। लकी बस पर सवार होकर प्रियंका राहुल ने ये रोड शो शुरू किया। इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजबब्बर सहित तमाम बड़े नेता शामिल हुए। रोड शो काफी धीरे आगे बढ़ा क्योंकि भारी मात्रा में कांग्रेस समर्थक सड़क के दोनों तरफ मौजूद रहे। प्रियंका और राहुल लगातार लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका और ज्योतिरादित्य सिंधिया को महासचिव बनाकर उत्तर प्रदेश फतेह की जवाबदारी इन दोनों नेताओं को दी है। कांग्रेस का कहना है आज से यूपी में उनका विजयी अभियान आरंभ हो गया है। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लेकर तेलुगु देशम पार्टी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दिल्ली में भूख हड़ताल शुरू कर दी है। उनकी मांग है कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाए, साथ ही वो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून 2014 के तहत केंद्र द्वारा दिए गए वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू ने भूख हड़ताल शुरू की तो उनके धरने को विपक्षी दलों का समर्थन मिलना शुरू हो गया। जहां फारूक अब्दुल्ला धरने में शामिल हुए हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी धरना स्थल पहुंचे। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी नायडू के आंदोलन को समर्थन दिया है। तेदोपा पिछले साल भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र की राजग सरकार से यह कहते हुए अलग हो गई थी कि पुनर्गठन के बाद आंध्र प्रदेश के साथ भेदभाव किया जा रहा है। नायडू की मांग है कि आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिया जाए, साथ ही वो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन कानून 2014 के तहत केंद्र द्वारा दिए गए वादों को पूरा करने की मांग कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 90 दिन के अंदर देश में अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करने का आदेश दिया है। भाजपा नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अश्वनी कुमार उपाध्याय की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च अदालत ने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान के दिशा निर्देश तय करने का आदेश भी दिया है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की है। याचिका में मांग की गई थी कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम की धारा 2C को रद्द किया जाए क्योंकि यह धारा मनमानी, अतार्किक और अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन करती है। इस धारा में केंद्र सरकार को किसी भी समुदाय को अल्पसंख्यक घोषित करने के असीमित और मनमाने अधिकार दिए गए हैं। इसके अलावा मांग की गई थी कि केंद्र सरकार की 23 अक्टूबर 1993 की उस अधिसूचना को रद्द किया जाए जिसमें 5 समुदाय, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, सिख और पारसी को अल्पसंख्यक घोषित किया गया है। तीसरी मांग यह की गई थी कि केंद्र सरकार को निर्देश दिए जाएं कि वह अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करे और अल्पसंख्यकों की पहचान के लिए दिशा निर्देश बनाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सिर्फ उन्हीं अल्पसंख्यकों को संविधान के अनुच्छेद 29-30 में अधिकार और संरक्षण मिले जो वास्तव में धार्मिक और भाषाई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हों और जो संख्या में बहुत कम हो। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई की और अल्पसंख्यक आयोग को आदेश दिए कि वो 90 दिन में अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करें।
छत्तीसगढ़ सरकार का मानना है कि सामाजिक जागरूकता से छत्तीसगढ़ शराबबंदी की जा सकती है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मध्याह्न भोजन में अंडा खाने वाले बच्चों को अंडा दिया जाएगा और एक माह बाद बिजली बिल भी आधे हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजनांदगांव जिले के खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मोक्षधाम तीर्थस्थल देवरी शंकर दाहान में आयोजित गंधर्व महासम्मेलन कार्यक्रम में शामिल होकर 3 दिवसीय महाशिवरात्रि मेला महोत्सव की सौगात दी। कार्यक्रम में भूपेश बघेल ने कहा, अब स्कूल में मध्याह्न भोजन के समय जो खाना चाहता है उन बच्चों को अंडा देने का आदेश दिया गया है। शराबबंदी पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी करने के पहले नशा मुक्ति केंद्र खोलना होगा, साथ ही सामाजिक जागरूकता लाने के साथ छत्तीसगढ़ के सभी समाज आगे आए और अपने सामाजिक प्रस्ताव बनाए कि शराबबंदी की जाए और समाज का कोई भी आदमी शराब ना पिए। मुख्यमंत्री ने एक माह में बिजली बिल भी हाफ करने की बात कही। शराबबंदी जो है, जब तक कि समाज सामने नहीं आएगा, सामाजिक जागरण नहीं होगा, तब तक के पूर्ण शराबबंदी नहीं होगा। और इसके लिए हम वातावरण, जहाँ भी मैं सामाजिक सम्मेलनों में जा रहा हूँ, हर जगह मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसे जन जागरण करने का आवश्यकता है। क्योंकि सरकार के भरोसे ये बंद नहीं किया जा सकता, सब लोग मिलकर करेंगे तो निश्चित रूप से बंद होगा। साकर दहान में महाशिवरात्रि के समय 3 दिवसीय महा मेला महोत्सव करने की सौगात देते हुए एक सवाल पर मुख्यमंत्री ने डीजी मुकेश गुप्ता और एसपी रजनेश सिंह को निलंबित करने की बात कही और कहा कि ये बड़ी कार्यवाही हो सकती है। ये दोनों अधिकारी लोगों का फोन टेप कर रहे हैं, लोगों की निजता का हनन किया जा रहा है। यह प्रदेश की बड़ी कार्यवाही है और दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिला और आसपास के जिलों के आस्था का केंद्र है और इसमें हर साल मेला भरता है। इसे महोत्सव के रूप देने की मैंने घोषणा की है। 3 दिन का यहाँ उत्सव का कार्यक्रम होना चाहिए, इसकी अनुमति मैंने प्रदान की। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कहा कि कमलनाथ सरकार तबादले पोस्टिंग में लगी है और दलाल सक्रिय हो गए हैं। प्रदेश में प्रशासनिक अराजकता का माहौल है। नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कमलनाथ सरकार पर बड़ा हमला बोला है। गोपाल भार्गव ने कहा कि कमलनाथ विकास कार्यों पर ध्यान देने के बजाय ट्रांसफर पोस्टिंग में लगे हैं। कमलनाथ सरकार में ट्रांसफर का धंधा खूब फल फूल रहा है। प्रतिदिन 3-4 पेज की ट्रांसफर सूची निकालने से अधिकारियों और कर्मचारियों में अनिश्चितता है और दलाल सक्रिय है। मध्य प्रदेश में जब से कमलनाथ जी की नई सरकार बनी है, ट्रांसफर उद्योग खूब फल फूल रहा है। अधिकारियों कर्मचारियों में अनिश्चितता है। प्रतिदिन 3-3, 4-4 पेज की सूचियां ट्रांसफरों की निकल रही हैं और लगभग, मुझे जो मेरा अनुमान है, लगभग 100 करोड़ रुपए की राशि इस पूरे ट्रांसफर उद्योग में TADA में कर्मचारियों अधिकारियों को देना पड़ेगी। दलाल अलग सक्रिय हैं, तहसील से लेकर जिले से लेकर बल्लभ भवन तक दलाल घूम रहे हैं, ठेके ले रहे हैं। ऐसी अराजकता की स्थिति पहले कभी नहीं हुई। पूरा प्रशासन ठप्प है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, परेशान है। गोपाल भार्गव ने कहा कि तहसील से लेकर बल्लभ भवन तक दलाल घूम रहे हैं, ट्रांसफर करवाने के ठेके लिए जा रहे हैं। ऐसी अराजकता पहले कभी नहीं देखी गई। प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। गाड़ियों की भिड़ंत में एक वैन बिजली के खंभे से टकरा कर जलने लगी। आग इतनी जबरदस्त थी कि वैन का ड्राइवर जिंदा ही जल गया। यह हादसा बिलासपुर का है। रायपुर रोड से जाराभाटा मंदिर चौक होते हुए सिंधी कॉलोनी की ओर जा रहे ट्रेलर ने मुड़ते वक्त वैन को अपनी चपेट में ले लिया और मोड़ के किनारे पर लगे बिजली के खंभे से वैन टकरा गई। खंभे से वैन के टकरा जाने से उसमें शॉर्ट सर्किट हो गया। देखते ही देखते वैन में आग लग गई और वैन चालक अंदर जिंदा ही जल गया। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस वैन चालक की शिनाख्ती के साथ ट्रेलर चालक की तलाश में जुट गई है। एमपी में सरकार बदलते ही सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोग मछली के ठेके लेकर विवाद करने पर उतर आए हैं। कलियासोर डैम के मछली ठेके को लेकर दो पक्षों के बीच हुए झगड़े में घायल ठेकेदार सुभाष रायकवार की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वह भाजपा टीटी नगर मंडल के महामंत्री भी हैं। पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार
गुंडों को संरक्षण देने का कार्य कर रही है। पुलिस और प्रशासन कांग्रेस सरकार के दबाव में सही ढंग से कार्य नहीं कर रहे। कांग्रेस से जुड़े लोग मछली और रेत के ठेकों पर कब्जे के लिए दो दो हाथ करते नजर आ रहे हैं। भोपाल के कलियासोत डैम में मछली के ठेके को लेकर घायल ठेकेदार सुभाष रायकवार की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। मामले की जांच के दौरान पता चला है कि बदमाशों ने साजिश के तहत फोन कर सुभाष को लिली सिनेमा के पास बुलाया था। मारपीट करने के दौरान सुभाष का फोन छीन कर फॉर्मेट कर दिया था। इससे फिलहाल यह पता नहीं चल सका है कि सुभाष को किसने फोन कर बुलाया था। इस मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इस साजिश के पीछे कांग्रेस नेता मोहम्मद सगीर का नाम आ रहा है। घटना वाले दिन सगीर कलियासोत डैम गए थे, जहां उन्हें किसी ने पत्थर मार दिया था। आज से करीबन 15-20 दिन पहले मेरे पास वो देवमणि आया और कहा कि ये डैम जो है फर्जी तरीके से ये सुभाष रायकवार ने इसको अलर्ट करा रखा है। तो मैंने ये मैं क्या करूं, चले एक आप चिट्ठी लिखी है, नगर निगम का नहीं है, पंचायत का डैम है। और मैंने चिट्ठी लिखी, वो चिट्ठी लेके गया मेरी और मैंने कलेक्टर साहब के नाम पे दे, वो नगर निगम के नाम पे देके नोटिस निकलवाया हमने। फिर शायद वो सुभाष उस पर कुछ कोर्ट के आदेश लाया, तो हमने कलेक्टर को भी चिट्ठी दी। कलेक्टर ने कहा इसकी सुनवाई करिए। सुनवाई करने के लिए 11 तारीख नियत हुई है उसके अंदर। तो 11 तारीख को सुभाष को और दूसरी जो जिसके नाम पे अलर्ट हुआ है पंचायत का डैम, कौन ये नाम क्या नाम है, दिलीप क्या नाम है उसका, उसका नाम मुझे पता नहीं है कौन है वो। तो वो लोग आए, मैंने कहा ठीक है भैया, तो ये कार्रवाई कर चलने दो। अभी मेरे भतीजे का फोन आया कि उसका सामान वहां रखा था, वो मछलियां पकड़ता। मेरे एक दोस्त का लड़का है, अकबर है, जुगनू है, ये लोग मजदूर लोग है, ये लोग सुभाष और ये लोग इनसे मछलियां पकड़वाते थे, वो उनकी मच्छी पकड़ के देते थे मजदूरी को। तो उनकी नाव है, माव है, सब इन लड़कों ने उठा ली और उससे मछली पकड़ने लगे। तो मैं वहां गया तो मेरे वहां सनी करके एक लड़का मिला। सनी ने मुझसे कहा कि चाचा ये हमें सुभाष रायकवार ने लिख के दिया है। तो मैंने कहा आप ठीक है, आप करो, आपको मछली पकड़ना पकड़ो, लेकिन आप हमारा ये इनका गरीबों का सामान दे दो। भाई ये बात ही हो रही थी कि अकबर को मारने लगे, तो मैं बीच बचा पकड़ने लगा अकबर को, भैया इसको क्यों मार रहा हूँ। तो इतने में किसी ने फिर पत्थर मार दी। जहांगीराबाद थाना प्रभारी अनिल वाजपेयी ने बताया कि सुभाष से मारपीट करने के मामले में दो नामजद आरोपी अकबर और जुगनू को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस मामले में कथित पत्रकार सहित 5 लोगों की तलाश की जा रही है। कलियासोत डैम में मछली पालन को लेकर बड़ा विवाद अब राजनीतिक रूप ले रहा है। पूर्व गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने कमलनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार गुंडे और बदमाशों को संरक्षण देने का कार्य कर रही है। गुप्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस और प्रशासन सरकार के दबाव में कार्य कर रही है। देखिए, कांग्रेस की सरकार बनने के बाद जिस प्रकार गुंडों के हौसले बढ़े हैं, विधिवत एक आवंटन है तालाब का, पहले कलेक्टर से कह के उसको निरस्त कराया, हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया, वहां उसको काम नहीं करने दे रहे हैं, बराबर मारपीट कर रहे हैं, लगातार कमला नगर थाने में रिपोर्ट की गई, लेकिन कांग्रेस के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर हमारे नेता प्रतिपक्ष नगर निगम के गए वहाँ अपने गुंडों के साथ, वहाँ पर मारपीट की, उतला आके कमला नगर पे उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, जो मालिक है, जो था ही नहीं वहाँ। शाम को उसको बुलवाया जाता है और उसके साथ तलवार से मरणासन अवस्था में वो हॉस्पिटल में एडमिट है। पुलिस FIR तक करने को तैयार नहीं है। ये लगातार जो गुंडों को संरक्षण कांग्रेस सरकार में मिल रहा है, उसका एक राजधानी में बहुत बड़ा प्रमाण है। पूरे प्रदेश में आज कानून व्यवस्था बिगड़ गई है, हौसले गुंडों के बढ़ गए हैं, और उसका कारण है कि कांग्रेस राजनीतिक संरक्षण उनको दे रही है। उमाशंकर गुप्ता का कहना है कि कांग्रेस नियमों के विरुद्ध कार्य कर रही है। जब मछली पालन का आवंटन पहले से ही सुभाष को था, तो सुभाष को क्यों परेशान किया जा रहा था। गुप्ता ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नियमों में न चलकर गुंडे बदमाशों को संरक्षण दे रही है और भाजपा के लोगों को परेशान कर रही है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के जगत सिंहपुर पहुंचे। सिंहदेव ने उड़ीसा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन पटनायक के साथ समाज के सभी वर्गों से मुलाकात कर उनसे जानने की कोशिश की कि वो कांग्रेस से और अगली सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं। सिंहदेव का प्रयास है कि उड़ीसा का घोषणा पत्र आम जनता की इच्छा के अनुरूप हो, जिससे मतदाता कांग्रेस के घोषणा पत्र को अपना घोषणा पत्र समझे।
कांग्रेस नेता टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ के जन घोषणा पत्र की लोकप्रियता की वजह से कांग्रेस के लिए देश स्तर पर अपनी काबिलियत साबित कर चुके हैं। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में उनकी रायशुमारी के बाद अब उड़ीसा के विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र की जिम्मेदारी पार्टी हाईकमान ने टीएस सिंहदेव और उनकी टीम लीडर पंकज सिंह को सौंपी है। छत्तीसगढ़ के जन घोषणा पत्र को बनाने वाली टीम व उसके लीडर पंकज सिंह अपनी टीम के साथ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में डेरा डाल चुके हैं। वो सभी तरह के डाटा एकत्रित कर उड़ीसा विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र बनाने में जुट गए हैं। सरकारें कितनी भी बदल जाए मगर सिस्टम कभी नहीं बदलते और धर्रे को बदलने की कोई सुध भी नहीं लेता। ऐसी ही सड़े गले सिस्टम की भेंट चढ़ी इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। एक अज्ञात व्यक्ति के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाने को जब शव वाहन नहीं मिला तो पुलिस ने नगर पालिका की कचरा गाड़ी में शव को डालकर अस्पताल पहुंचाया। ये पूरी खबर बीना की है जहां एक व्यक्ति की ट्रेन से गिरकर मौत हो गई थी। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ये इंसानों का काम है। हम आपको बता दें कि जो आप कचरा गाड़ी देख रहे हैं वो असल में सरकारी ढर्रे की गाड़ी है और जो उसमें शव है वो मरे हुए सिस्टम का शव है जिसमें सबकी इंसानियत निर्जीव हो चुकी है और इन सब के लिए जिम्मेदार हैं तो सिर्फ जिम्मेदार पद पर बैठे नेता मंत्री और अधिकारी। एक तरफ चांद पर जाने की बात होती है स्मार्ट सिटी बनाई जाती है तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं कराई जाती। हमारा सिस्टम है कि शवों का सम्मान तक नहीं कर पाता। बिना झांसी रेलवे लाइन पर रविवार की दोपहर झांसी से भोपाल आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस से शारदा विहार कॉलोनी के पास एक व्यक्ति ट्रेन से गिर गया। इसकी सूचना कॉलोनी के लोगों ने डायल 100 को दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंच पाती तब तक व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। मृतक के सिर में गंभीर चोटें आई थी। व्यक्ति की उम्र करीब 45 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतक के पास शिनाख्त के लिए कोई दस्तावेज नहीं मिला जिस कारण इसकी पहचान नहीं हो पा रही है। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के अल्पसंख्यक हिंदुओं के मंदिर पर हमले की घटना को लेकर सिंधु सेना नाराज है और उसने प्रशासन को भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। पाकिस्तान में सिंध प्रांत के खैरपुर जिले में गत दिनों अज्ञात असामाजिक तत्वों ने अल्पसंख्यक हिंदू मंदिर में हमला कर उनके ग्रंथों को जला दिया। इस अवसर पर सिंधु सेना के अध्यक्ष राकेश कुकरेजा ने कहा कि पूर्व में भी सिंध प्रांत के लाड़खाना स्थित हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ व आगजनी की घटना हुई है। वहां पर हिंदुओं को कई प्रकार के अत्याचारों को झेलना पड़ता है। इन मंदिरों पर हमला कर और ग्रंथों को जलाकर उनकी आस्था ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत के हिंदुओं व सिंधियों की भावनाओं साथ खिलवाड़ किया जा रहा है जिससे पूरे देश के सिंधी समाज में रोष व्याप्त है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में खैरपुर जिले में जो सिंधी और हिंदू समाज के मंदिर थे उन्होंने में गत दिवस में तोड़ाफोड़ी पथराव हुआ हमला हुआ। वहां के जो ग्रंथ थे उनको फाड़ा गया। वहां की जो प्रतिमा थी वो भी खंडन करने का कहीं ना कहीं प्रयास किया गया। इसको लेकर हमने सिंधु सेना के द्वारा आज यहाँ पर ADM साहब को माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नाम राष्ट्रपति जी के नाम और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज जी के नाम पर एक ज्ञापन देकर मांग की कि इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर उठाकर और पाकिस्तान को इसका कहीं ना कहीं इस पर लगाम लगाना चाहिए और इसको लेकर हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन में मांग की कि सिंधी समाज ही नहीं हिंदू समाज पूरा आक्रोश में है। हम लोगों ने हमारे बड़े भाई राकेश कुकरेजा जी की अध्यक्षता में सिंधु सेना की अध्यक्षता में आज हमारे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया कि विगत कुछ टाइम से देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और इसके लिए हमारा निवेदन है हमारे केंद्रीय मंत्री से हमारी केंद्रीय रक्षा मंत्री केंद्रीय विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज जी से एवं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से कि हमने जो कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और वो उनके माध्यम से हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार पर बैन हो मंदिर जो तोड़े जा रहे हैं ये सब काम रुक जाए। आए दिन पाकिस्तान में हिंदुओं अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं ये बहुत ही निंदनीय है। आज हमने कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन दिया है जिसमें ये मांग की है कि वहाँ पे जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो ना हो।
सिंधु सेना ने प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा, ऐसी घटना का पूरा समाज निंदा कर रहा है। देश का समस्त सिंधी समाज आपसे आग्रह करता है कि राष्ट्रीय मंच पर इस घटना को उठाकर पाकिस्तान पर इस बात का दबाव बनाया जाए कि वहां पर अल्पसंख्यक की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और मानव अधिकारों का हनन भी रोका जा सके। ऐसी घटनाओं को बढ़ावा न मिले, इसके लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाना अति आवश्यक है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। वक्त ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिलासपुर में कृमि व डीईसी की दवा खाकर दर्जनों स्कूली बच्चों की तबियत खराब हो गई। इनमें से 3 गंभीर बच्चों को परिजन ने सिम्स में भर्ती कराया। वहीं उपचार के बाद 1 बच्चे को छुट्टी दे दी गई। वहीं 2 बच्चों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति व फाइलेरिया उन्मूलन के तहत तखतपुर व सीपत क्षेत्र के स्कूली बच्चों को कृमि व डीईसी की दवाई पिलाई गई। दवा खिलाने के बाद कुछ बच्चों की तबीयत खराब हो गई। शिक्षकों ने नजदीकी अस्पताल में बच्चों को भर्ती कराया। वहीं 3 बच्चों की हालत ज्यादा खराब होने से परिजनों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया। शुक्रवार के दिन बच्चा स्कूल गया, हम घर में नहीं रहा और बच्चा स्कूल गया। स्कूल में का मास्टर खवाइच मितानीन खवाइच है वो तो हमका जानकारी नहीं है, हम तो घर में हैं। अब स्कूल से मास्टर है अस्पताल धर के लाया, अस्पताल से फिर ले गया सुई पानी दवा के हैं। अब वो ठीक रही, 9 बजे रात की फिर वैसे हो गए। ओकर बावजूद फिर मास्टर लेके फिर सुबह आई से तो वो दिन भर रही से मितानीन भी ऐसे तो मितानीन है 1 घंटा बस रुके है, वो ज़्यादा टाइम नहीं रुके हैं। बच्ची को सिर में तकलीफ है, सिर में दर्द रहा है और बच्ची को बताया सर उसके आज उनको शुक्रवार को दवा खिलाया गया था फाइलेरिया का। हाँ, दवा खाने के बाद कुछ दर्द था, इनका दर्द कम था, बाद में कल दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो गांव में देखे अपने स्तर में लेकिन नहीं हो पाया, मतलब चलो सीधा सिम्स लेकर स्तर फिर सिम्स आ गया। इस घटना के बाद बीमार बच्चों को अभी तक ना तो शिक्षा विभाग के अधिकारी देखने पहुंचे और ना ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी। वहीं बच्चों का इलाज परिजन करा रहे हैं और जवाबदार अधिकारी फोन तक नहीं उठा रहे। ऐसे में सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति व फाइलेरिया उन्मूलन के तहत बच्चों को दवा खिलाने के बाद कैसे छोड़ दिया जाता है। पुलिस ने शराब की तस्करी करने वाली 2 लड़कियों को 16 पेटी शराब के साथ पकड़ा है। इनके 2 साथी मौके से फरार हो गए। ये शराब राहतगढ़ से खरीद कर लाई जा रही थी। मदुरई के शहरी थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पहली बार शराब तस्करी करने के मामले में 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। तस्करी करने वालों ने इस काम में लड़कियों के प्रयोग करने का नया तरीका निकाला लेकिन वे इसमें कामयाब नहीं हो सके। 2 लड़कियां गाड़ी में बैठी मिली थी जिनको भाई पुलिस संरक्षण में तलाशी गाड़ी दी गई थी, उसमें 16 पेटी मदिरा गरम मसाला मिला जो कि तो 800 पाँव हैं, जिसको पुलिस ने विधिवत जब्त करके थाने लाई। महिलाओं के अभिरक्षा से अभी जब्त हुआ है, 2 आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश जारी है। पुलिस ने बताया मुखबिर से सूचना मिलने पर जेल रोड पर लाल रंग की स्कोडा गाड़ी को रोका गया। पुलिस को देख उसमें सवार बाबू अहिरवार व शैलेंद्र राजपूत भाग खड़े हुए। गाड़ी में सवार 2 लड़कियां भागती, इससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। 4 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। ऐसी जानकारी मिली है कि यह शराब राहतगढ़ के ठेकेदार से खरीद कर बेचने के लिए ले जाई जा रही थी। अभिनेता रणवीर ने एक ऐसी तस्वीर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी कि जिसकी वजह से वे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे हैं। फोटो में रणवीर फर वाली जैकेट पहने नजर आ रहे हैं जिस पर तरह तरह के स्टिकर्स लगे हुए हैं। व्हाइट पैंट, व्हाइट स्वेटर और कलरफुल सनग्लासेस लगाए रणवीर बड़े डिफरेंट लग रहे हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर यूजर्स को उनका ये लुक रास नहीं आ रहा है। यह पहली बार नहीं है कि जब एक्टर रणवीर सिंह अतरंगी पोशाक पहनने के चलते सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी वह कई बार अपने गेटअप के चलते सुर्खियों में बने रहे। अपने कपड़ों को लेकर वह इस कदर चर्चा में रहते हैं कि उनकी शादी के वक्त सोशल मीडिया पर इस तरह के जोक्स वायरल होने लगे थे कि रणवीर अपनी शादी में दीपिका का लहंगा पहनने वाले हैं। ताजा मामले में लोगों ने रणवीर को कार्टून किरदार सुविलियन
से कंपेयर किया है। रणवीर के इस लुक का लोग जहां मजाक उड़ा रहे हैं, वहीं उनकी पत्नी दीपिका पादुकोण को वह इस जैकेट में बहुत अच्छे लगे हैं। रणवीर की पोस्ट पर कमेंट बॉक्स में दीपिका ने लिखा, मेरे सबसे ज्यादा पसंदीदा लुक्स में है एक दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने पिछले साल नवंबर में शादी की थी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। अब जर्जर भोपाली सुनाएंगे आपको भैरन समाचार। नमस्कार, भैरन समाचार में आपका स्वागत है, वेलकम कर रहा हूँ। मैं हूँ जर्जर भोपाली। अरे जरा सलीके से बात करो यार, कैसे बात कर रहे हो क्या? अच्छा, देश के नेता भी ऐसे बात कर रहे हैं तो अब ऐसे भाषा का यूज कर रहे हैं तो तुम भी करोगे? अच्छा, इंस्पिरेशन उन्हीं से लेते हो? अरे गजब हो गया, मैं तो बता रहा हूँ पूरे देश में यार चाँव चाँव मच्छी रखी है। हर जगह चाँव चाँव चाँव, कोई राफेल टैंक खोले बैठा है और उसके नट बोल्ट हर बोल्ट में जाके है ना वो ढूंढ रहा है घोटाला, बता रही हूँ। और दूसरे है ना वो पूरे कांग्रेस की कब्र खोदे बैठे हुए हैं। खुदाई चल रही है देश में, चल क्या रहा बता रहा हूँ। एक वो लालू का बेटा है तेजस्वी, बुझी हुई लालटेन लिए घूम रही है, कुछ भी बोले जा रहे हैं, बता रहे हूँ। उत्तर प्रदेश में जो मायावती हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि जो हाथी तुमने बनवाए थे, इतना पैसा खर्च किया, जनता का पैसा खर्च किया, और वो वापस दो। अब मेरा कहना ये है, ये इतनी अब हाथियों की बनवाने की जरूरत क्या थी, मूर्तियां बनवाने की जरूरत क्या थी? अरे ये जो ओरिजिनल हाथियों पे खर्च करते, जंगलों का संरक्षण करते, तो उसमें कुछ भला भी होता है हाथियों का? हाँ, और इतनी मूर्तियां बनवा दी, चिलके हुए बैठे हैं उन पे, उनका टॉयलेट बनवा दी, बता रहे हूँ। ये खबर ये सुन लो, अरुणाचल प्रदेश में कल मोदी ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन किया और चीन भुनभुना गया। अरे हमारा कहना ये है कि भुनभुना क्यों रहे हो भैया, तुम भुनभुनाओ मत ज्यादा, तुम्हारे यहाँ धंधा बंद कर देंगे। 125 करोड़ लोग हैं हम, खिलौने खरीदने बंद कर दिए ना तो चूँ बोल जाए तुम्हारी, बता रही हूँ। हाँ, चली गए तो धंधा करो अपन। और ये खबर इधर पे, आडवाणी जी 5 साल में संसद में सिर्फ 365 शब्द बोले, ये 3 मिनट ही बोले। अरे तो हमारा कहना ये, बुजुर्ग आदमी, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को फर्श लेके अर्श तक पहुँचा दिया, ये इतना इन्होंने किया। और बुजुर्ग है, समझदार व्यक्ति हैं, उनको पता है कि बोलने से फ़ायदा क्या है, कानों में रुई ठूसे घूम रहे हैं लोग, कोई सुनने वाला है नहीं। हाँ, और ये खबर ये देखो, और जैसे ही कोई बड़ा नेता आता है पूरे शहर में होर्डिंगों की बौछारा आ जाती है, बता रही हूँ। बड़े बड़े महापुरुषों की मूर्तियाँ वो भी ढक देती हैं होर्डिंगों से, और मेरी आँख में यार कचरा ऐसा चुभने लगता है, बता रही हूँ, सही बता रही हूँ। अब मेरे को समझ नहीं आता ये गीला कचरा है कि सूखा कचरा, कहाँ फेंकूँ इसको। हाँ अच्छा, ये सिंधिया जी कह रहे थे, ज्योतिराज सिंधिया ये बोल रहे हैं कि रुपया ना कब्रिस्तान में पहुँच गया, ये बड़े अंतर्यामी है। और कल CBI ने एक जगह छापा मारा कब्रिस्तान में, वो पैसा निकला, वो सोने के वो जेवरात निकले। वो मैं कह रहा हूँ इनसे पूछ लेना चाहिए मोदी जी को कि काला धन वगैरह कहाँ कहाँ रखा हुआ है, ये बता देंगे। हाँ बता रही हूँ। एक खबर इधर पे, जर्मनी में सड़कों के नाम बदलने के लिए जनता से वोटिंग कराई। अरे हमारे यहाँ का लोकतंत्र ज़्यादा मजबूत है, हम तो वोट दे देते हैं, फिर सरकार है ना हमसे पूछती नहीं है कि शहर का नाम बदलना है, रेलवे स्टेशन का नाम बदलना है। हाँ हमारे यहाँ मजबूत सरकार है, बता रही हूँ। और ये खबर इधर खेल की सुन लो, ये रोहित शर्मा है ना, ये छक्कों का रिकॉर्ड बना दिया इनने, मार मार के धूल भर दी, बता रही हूँ। T20 में सबसे ज़्यादा रन ठोक दिए, और इसका टेक्निक किसने बताई पूछो? हमने, भोपाल आए थे हम, इनको ले गए वहाँ, कहाँ? धोबी घाट, वहाँ पे जो कुटनी थे 25 साल से कूट रहा था धोबी, वो कुटनी हमने इनको दिलवाई, वो चिकनी हो गई है, वो उससे ऐसे लेके भटाभट मारते हैं, छक्का ही जाता सीधा, बता रही हूँ। हाँ हाँ, और ये खबर इधर पे, ये सीरियल देखने में डिस्टर्ब हो रहा था माँ को और चाची को, उन्होंने 5 साल की बच्ची को है ना मोमबत्तियों से जलाया 20 बार, बताओ क्या है, क्या जाहिलानापन फैल रहा है? वो मैं तो कहता हूँ, एकता कपूर जी कैसे सीरियल बनाती हो, षड्यंत्र दिखाती हो, कभी भाभी छोटी भाभी के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, कभी बुआ कर रही है मोटेड़ा, समझ गया, मुझे समझ नहीं आया, दिमाग खराब हो रहा है, बता रहे हो पिन्नाटे में आ गया दिमाग, कदम भोपाल की खा रहा हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। नमस्कार। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।